जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई करते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें बुरहानपुर की तीन मुगल कालीन ऐसी संपत्तियां जिसमें बीबी की मस्जिद, आदिल शाह मुबारक शाह का मकबरा, बेगम सूजा का मकबरा शामिल है, उसे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा था। अब हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि इन पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अधिकार है। इस पर बुरहानपुर के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का रिएक्शन भी अब सामने आ गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित मुगल कालीन तीन ऐसी संपत्ति हैं जिसमें बीवी की मस्जिद, आदिल शाह का मकबरा जो कि फारूकी वंश काल से संबंधित है, और तीसरा बेगम सूजा का मकबरा जो कि मुमताज और शाहजहां की बहू हैं और औरंगजेब की बड़ी भाभी हैं। इन तीनों ऐतिहासिक स्मारकों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया था। इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि साल 2013 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इन स्मारक को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था, लेकिन प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत इन्हें प्राचीन और संरक्षित स्मारक की श्रेणी में रखा गया था। ऐसे में इन्हें वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं माना जा सकता। इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया कि वक्फ बोर्ड की अधिसूचना विवाद संपत्ति पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अधिकार या केंद्र सरकार का स्वामित्व नहीं छीन सकती और अब इन प्राचीन स्मारकों पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। अब इस पूरे मामले पर बुरहानपुर वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष शेख फारूक का रिएक्शन सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम हमारे वकीलों की टीम से चर्चा करके इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील करेंगे। अभी हाई कोर्ट का कल एक डिसीजन आया है जिसके अंदर कुछ तीन धरोहर का डिसीजन हुआ है हाई कोर्ट ने, जिसने लगाया था उनके फेवर में दिया, पुरातत्व विभाग के भी फेवर में दिया है। तो मेरे अभी उस मेरे संज्ञान में नहीं था इनका, बाकी अभी जो भी कोर्ट का डिसीजन आया है उसकी हम कॉपी निकाल के स्टडी कर उसके बारे में पूरे हमारे भी वकील है वक्फ बोर्ड के, वो उनको बैठ के पूरी बात कर और हम दूसरे उसके अंदर सुनवाई में जाएंगे डबल बेंच की फिर से। जबलपुर हाईकोर्ट के इस फैसले पर इतिहासकार कमरुद्दीन फलक ने कहा है कि ये फैसला संतोषजनक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट का फैसला संतोषजनक है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जो स्मारक जिस विभाग को दिए गए हैं वो ऐतिहासिक स्मारक है, बीबी की मस्जिद हो, बेगम शुजा का मकबरा हो, आदिल शाह फारूकी के मकबरे हों, तो ये स्मारक क्योंकि ऐतिहासिक स्मारक है, ये हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है और हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो है तो ऐसे ही विभाग को दिए जाने चाहिए जो इन मोनूमेंट्स को जो है तो संभाल कर रख सकता है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के पास इसके एक्सपर्ट्स लोग हैं, इसको संरक्षित करने का पूरा एक डिपार्टमेंट है, उनके पास आर्काइव्स है। वक्फ बोर्ड के पास यदि ये स्मारक चले जाते हैं तो फिर हमारी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास डिपार्टमेंट्स नहीं है, वक्फ बोर्ड जो है तो मुतवल्ली किसी को भी बना देते हैं और वो स्मारक की जो वास्तविकता है उसको कम समझ पाते हैं, तो मूलभूत ढांचा जो है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। शहर की कितनी इमारतें हैं जिन पर फैसला आया? अभी तो मैंने सुना है तीन इमारत हैं, एक तो बीबी की मस्जिद है ये फारूकी डायनेस्टी की है, दूसरा आदिल शाह मकबरा, मुबारक शाह का मकबरा, ये भी फारूकी डायनेस्टी के, और तीसरा ये स्मारक जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बेगम शुजा का मकबरा। ये बेगम शुजा का क्या कनेक्शन है मुमताज? बेगम शुजा जो है तो मुमताज़ की बहू है, मुमताज शाहजहाँ और मुमताज़ की बहू है, औरंगजेब की बड़ी भाभी है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या होता है।